कार्तिक का कौन सा वाला फेरा है? चौथा फेरा। कमाल है, हार्दिक का चौथा भी हो गया। क्या बोल रही तू? जब से वो वृंदाकर में आई है ना कुछ अपशगुन हो रहा है। पहले वो हर्ष, फिर उपली। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। खेत की चाची सही कह रही है, वृंदा के लौटने के बाद इस परिवार ने बहुत कुछ खोया है और इस सब की जिम्मेदार जरूर वृंदा ही है। उसी ने लूटी है हमारी खुशियां। अब ये आखिरी फेरा है। भाई, वृंदा भाभी को लेने जा रहे हैं। तो ऊपर क्यों जा रहे हो? वृंदा, मैंने तो उसे मार के ऊपर छोड़ा था, तो उसकी आवाज मंडप के पास से कैसे आ रही है? भाई, लगता है भाभी आपको सरप्राइज देने के लिए यही आ गई है। ये सब क्या चल रहा है? थोड़ा दिमाग लगा, सोचो कहाँ छुप सकती हूँ मैं। मॉम, तुमने कैसे? नहीं चाची, सातवां फेरा अभी भी बाकी है। बदकिस्मती से मैं अभी भी इस आदमी की बीवी हूं। सब लोग हटिए। अरे पीछे हटो, मैं कह रहा हूं। उसे नहीं बचा रहा हूं, आप सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, छोड़ो मुझे। नहीं देव, इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। कार्तिक वहां क्या खड़ा है? तू नीचे आ, मेरे पास आ। आगे मत बढ़ना देव, इसकी गर्दन मेरे हाथ में है, खत्म कर दूंगी अभी की अभी। वृंदा, लेट हिम गो। मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, इसे मुझे जाने दो। वैसे बच गए तुम, अभी गलत लड़की से शादी हो जाती। हाँ, ओ लड़की कहूं की औरत? लड़की नहीं, औरत नहीं, नागिन हूं मैं। चुप। तुम लोग कॉरिडोर से सीधा जाओ, वहां से दाहिने हाथ पे जो बेडरूम है उसमें तुम्हारी बेटी बेहोश पड़ी है, जिंदा है मगर, उसे लेके यहां से निकल जाओ। ठीक है, ठीक। मुझे भी जाने दो प्लीज। ए रुक, वृंदा, सिया के मामा, उनको तुमने छोड़ दिया। तुम तो उन्हें जानती भी नहीं हो, हमें तो जानती हो। अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम सबको अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। इसीलिए यहाँ से जाने नहीं दे रही हूँ। वृंदा, हमने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सर ढकने के लिए छत दी थी, उसका ये सिला दे रही हो तुम। सिला? सिला नहीं, तुम सबको सबक दूंगी मैं। और क्या बोल रही हो तुम, मुझे रहने के लिए छत दी तुमने? अरे धोखेबाज औरत, मेरे घर वालों के पैरों के नीछे से जमीन खींच के तुमने ये छत ली है। उनको धोखा देके उनका खून कर गए। याद है तुम सबको, नाना भाई केशव, नाना भाई उनके भाई, उनका परिवार, उनकी बीवी, उनका 7 साल का बच्चा, सबको मार दिया तुमने, सबको खत्म कर दिया। ओ स्टॉप इट, झूठ बोलती जा रही हो तुम। ऊपर भी झूठ बोल रही थी, अभी भी झूठ बोल रही है। झूठ नहीं है ये, झूठ नहीं है ये, सच है। मेरे पूरे खानदान को मारा इन सब ने, मुझे अनाथ कर दिया, उन सबको खत्म कर दिया। लेकिन किस्मत का फेर देखो देव, मैं फिर भी इन सबको खत्म करने चली आई। क्या लगा तुम लोगों को,
हाँ मुझे कुछ याद नहीं होगा। इंसान होती तो याद ना होता। नागिने कुछ भूलती नहीं है। चुप हो जा वरना यहीं के यहीं मार दूंगी तड़पा तड़पा के। नहीं 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 मैं चुपूं, मैं मरना नहीं चाहता। वृंदा ये सब करके तुम बचोगी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी परवाह है? मेरे सर पे सिर्फ एक जुनून सवार है, अपने दुश्मनों को खत्म करना, एक एक करके सबको खत्म करना। इसी की कसम खाई थी मैंने और एक एक करके अपने हाथों से तुम सबको मारूंगी मैं, जैसे तुम्हारे पति उस माधव को मार दिया मैंने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा माधव कहाँ है? यूएस में ऊपर बैठा है वो। मार दिया मैंने उसे, अपने हाथों से मार दिया। नहीं। और जिस तरह उस माधव को मारा ना मैंने, उस तरह तुम सबके लाडले हर्ष को मार दिया मैंने। ये नहीं पूछोगे कि क्यों मार दिया? उसने तो मेरे परिवार को हाथ तक नहीं लगाया था, वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। फिर मैंने हर्ष को क्यों मार दिया? उसको मैंने इसलिए मार दिया क्योंकि इन सब लड़कों ने एक एक करके मेरी बहन की जान ली। मेरी बहन नयनतारा को मार दिया इसने। मेरे भाइयों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रही हो तुम। कुछ नहीं किया, घिनौने से घिनौना काम किया इन्होंने। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। वो नयनतारा जिसे जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, मेरी मान्यता माँ के लिए अपनी सगी बेटी से बढ़ कर थी वो। उसके साथ हैवानियत दिखाई, दरिंदगी दरिंदगी दिखाई उसके साथ और सब में उसकी जान चली गई। मेरी नयनतारा को मार दिया इन लोगों ने। खत्म कर दिया उसको। और अब मैं इन सब की जान लूंगी, छोड़ूंगी नहीं इन सबको। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया आयुष्मान, वो तो बस हम जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश करना भी जबरदस्ती करने के ही बराबर होता है। और अब इसकी सजा भी मौत के बराबर होगी। मौत। नो। इस नागिन को मारने का क्या प्लान था? जल्दी बोलिए ना। रुक जाओ वहीं पर। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगे? देव मैं रुक जाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पति हो। क्या लगता है तुम्हें मैं रुक जाऊंगी क्योंकि तुम मुझे जान से मार सकते हो? जान से मारने की कोशिश तो मैंने भी तुम्हें की थी देव। गलती हो गई, सिर्फ तुम्हारे सर पे चोट लग के रह गई। तुम्हें तो मुझे मार देना चाहिए था। वृंदा सॉरी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है तुम सबको ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख के, अपनी जान की भीख मांगते हुए देख के। Thank you.
कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो बड़ी माँ? आज इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, अगर कोई बाहर जाएगा तो वो है तुम सबकी लाश। एक एक करके तुम सबको मारूंगी आज मैं, सबको खत्म कर दूंगी। रिंदा! तुम मुझे हरा नहीं सकते हो देव। क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही है? हाथ कांप रहे? चला गोली, मार इस गोली, मार इसे। अब कौन मरेगा? तुम नयन हो, नयन तारा जानती हूं मैं। तुम्हारी इस पूरी चाल के लिए मेरा मन तो कर रहा है तुम्हें यही मार दूं, लेकिन नहीं, तुम मेरी मान्यता माँ के लिए उनकी बेटी से बढ़कर थी, उनके साथ थी, तो इसलिए तुम यहां से चली जाओ। तुम्हें मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन वापस कभी मुड़ के मत देखना नयन तारा। इरावती,
सकती हूँ, मेरे घर में किसी को कुछ नहीं बोला। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ ये सच है, तुमने मेरी मदद की थी, तुमने मेरी सच्चाई पूरे परिवार से छुपाई थी। तुम हमें जाने दोगे? हमें जिंदा छोड़ दोगे? छोड़ दो। देव ने मेरे ऊपर वार किया था और फिर मेरा सर खून। ये पन्ने, ये तो वही पन्ने हैं जो स्वरा माँ के पास से मिले थे मुझे। नागमणि देव के पास है, इसका मतलब वो देव के माथे पे जो चमका था वो नागमणि थी। तो अगर देव के पास नागमणि है तो उसने मुझे मारा क्यों नहीं? मदद तो तुमने की थी मेरी। पर तुमने वो सुना है, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। अब जब वो बिना गलती के मरता है तो फिर तुम्हें भी तो मरना पड़ेगा ना। बचाओ। काम लगभग खत्म। मतलब देव के पास नागमणि थी तो फिर भी उसने मुझे मारा नहीं, क्योंकि क्योंकि शायद देव मुझे मारना ही नहीं चाहता था। जो इंसान नागिन को जान से प्यारा होगा उसी एक इंसान पे शैतानी शक्तियां हावी हो जाएंगी और उसे अपने वश में कर लेगी। ये सब तो उसी किताब के पन्ने हैं जो जो मुझे स्वरा माँ के पास से मिले थे, जो जिसके बारे में पंडित सब बता रहे थे। वो नागिन की अतीत और भविष्य की किताब। ये तो वही पन्ने हैं। इसका मतलब इस तिलस्मी बोतल में नागिन के उस करीबी इंसान की आत्मा कैद की जा सकेगी जो शैतानी शक्तियां किश्तों में उसके शरीर से निकालेंगी। दिन के हर पहर में उसकी आत्मा का कुछ अंश इस बोतल में कैद किया जाएगा, जिसके साथ ही वह स्वयं पे अपना नियंत्रण खोता जाएगा। इस अंतराल में वो इंसान जो करेगा अपनी इच्छा से नहीं करेगा, बल्कि वो सब शैतानी शक्तियां उससे कराएगी। चलो चलो चलाकर जाएगी मेरे साथ। देवी ये क्या चल रहा है? तुमने मुझे यहाँ बुलाया था और ये वृंदा, यहाँ तो मैं देव के साथ मिलने वाली। देव कुछ बोलो ना, ये क्या बोल रही है? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया वृंदा। तुमने मार दिया उन्हें!
कोई धोखा नहीं दिया है, कोई खून नहीं किया है। मेरे प्यार और एतबार दोनों का खून किया है तुमने, और मुझे खूनी कह रही हो। देव, इसका मतलब देव निर्दोष है? उसने जो कुछ भी किया वो शलाका ने उससे करवाया। उसकी जादुई शक्तियां देव पे हावी हो गई थी और शैतानी शक्तियों के वश में था। मतलब देव, देव दोषी नहीं है। मैंने गलत समझा उसको। उसका परिवार खूनी है देव, देव खूनी नहीं है। और मैंने देव की जान लेनी चाहिए, मेरा प्यार की जान लेनी चाहिए। देव गलत नहीं है। मेरे गलत इंसान से प्यार नहीं किया मैंने। मैं क्या करने जा रही थी? मैं देव की जान क्यों लेने जा रही थी? देव खूनी नहीं है। देव को मुझे सब बताना होगा। वो मैं देव को सब कुछ बता दूंगी। ये जो कुछ भी हुआ सब गलत हो गया। देव मैं आ रही हूं। चलो अब अपना आखिरी काम भी तमाम करती हूं। विशाखा, मैं जानती हूं ये तुम ही हो। हाय वृंदा, कितना समय हो गया तुम्हें देखकर। कैसी हो? देखो ना, तुम्हारे सारे बाराती सब गए। अब मैं क्या करूं? तुमने अपना बदला लेने में इतना वक्त लगा दिया कि बोर होके मैंने ही सबको खत्म कर दिया। क्यों मारा इन सबको? ये मेरा बदला था। मिली, गीतांजलि, मिली, मिली और गीतांजलि को क्यों मारा तुमने? वो निर्दोष थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। ओह, पर मैं नहीं हूं। मैं तुम्हारी तरह तराजू में तोल तोल के नहीं मारती। सीधा मार, दार, संकार। वैसे कुछ जाने मैंने छोड़ दिए। देव, तुम्हारी गवाही और तुम्हारी तबाही के लिए। देव, 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 क्या किया तुमने? चिल्लाओ मत, तुम्हारा देव जिंदा है। तभी तो मैंने कहा तुम्हारी गवाही और तुम्हारी तबाही, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया अपने रूप में नहीं, तुम्हारे रूप में किया। वृंदा बन के, और तुम्हारा पति है ना, उसने साफ देखा है। अब देव तुमसे नफरत करेगा। और हां, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम्हारे देव को ना मैंने दो गुड बाय किसेस दी है, गले पे जहरीली वाली। हाँ, देखना कुछ देर बाद असर भी शुरू हो जाएगा। तुम्हारे इस देव की जान ना ज्यादा देर बचेगी नहीं, इसलिए जल्द से जल्द इसे लेकर रहस्यमय मंदिर पहुंचो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, समझे तुम? अरे तो फिर मैं देव के माथे से नागमणि को कैसे निकालूंगी? कभी भी नहीं, तुम हाथ भी नहीं लगाओगी इसको। ठीक है, मत करो, मत लाओ उसे मंदिर। लेकिन एक बात याद रखना, आज की रात बहुत खास होगी। आज की रात जो चांद चमकेगा ना, लाल होगा, खूनी लाल, जो एक नागिन की जीत को दिखाएगा, मेरे नागवंश की जीत को। और ऐसा बस आज की रात होगा, रात 7 बजे। 7
बजते ही वो ग्रहण लग जाएगा और वृंदा अगर उससे पहले मैंने देव के माथे से यह नागमणी नहीं निकाली तो वो जो गुड बाय किसेस दी है मेरा जहर वो तुम्हारे देव की जान ले लेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसे रहस्य मंदिर नहीं पहुंचाया और चांद के लाल रंग में बदलने से पहले उसके माथे से नागमणी नहीं निकाली तो भी उसे बचाने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। अब क्या करना होगा वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात बताऊंगी, ये सब होने के 2 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा देव मर जाएगा। नहीं नहीं, देव आके खोलो। आगे कुआं पीछे खाई, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा होगा ना तुम्हें। मैं कितनी बुरी हूं या फिर ये कहूं कि तुम कितनी भोली हो। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी मान्यता माँ की पक्की सहेली हूं, मान गई, और फिर ये भी मान गई कि देव ने तुम्हारी मान्यता माँ को मारा है। अरे पगली, देव ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, तुम्हारी मान्यता माँ को मैंने मारा है। और तुम्हें पता है ये करिश्मा मैंने कैसे किया? मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। अपने दूसरे फन की मदद से किया तुमने सब कुछ। तुम दो मोही नागिनों अच्छी तरह जान गई हो मैं। वाह, फुल मार्क्स। लेकिन वृंदा, इम्तिहान में तो तुम फेल हो गए ना। अपने मान्यता माँ को बचा पाई ना स्वरा माँ को। वैसे स्वरा माँ को मैंने नहीं मारा, हा? उसे देव ने ही मारा है। देव ने नहीं किया कुछ भी, जादू किया था उसके ऊपर। अच्छा जी, अपने प्यार के लिए 100 खून माफ। वैसे वृंदा, तुम भले ही देव को माफ कर दो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कैसे करेगा? अरे खून की होली खेलते हुए देखी है उसने तुम्हें, कैसे भूलेगा इस बात को। वैसे कितना अजीब इत्तेफाक है ना, पहले तुम देव से नफरत करती थी क्योंकि मैंने झूठ बोला, अब देव तुमसे नफरत करेगा क्योंकि फिर से मैंने झूठ बोला। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी विशाखा। अरे रे रे रे, मेरी नौसिखिया नागिन, ये क्या कर रही हो? अगर तुम मेरी जान ले लोगी तो तुम्हारी जान की जान को कैसे बचाओगी? माँ, 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 काकी, काकी, काकी उठो। I'll kill you. देव, मैंने नहीं किया, ये मेरा यकीन करो। तुमने किया है सब कुछ, तुमने किया है, अपनी आंखों से देखा है मैंने, मेरे पूरे परिवार को मार दिया तुमने। You murderer, खूनी हो तुम, कातिल हो। मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो देव। देव, जिसने भी इन सबको मारा वो दुल्हन के कपड़ों में थे। तुमने मेरे कपड़े देखे? मैंने ये पहना हुआ देख जो तुमने मुझे कपड़े दिए, याद है? ये भी तुम्हारी कोई चाल होगी, चाल होगी तुम्हारी, कोई जादू होगा, क्योंकि नागिन हो तुम, एक जहरीली नागिन।
तो लाशें बिछाती है लोगों की, मेरे परिवार की लाशें बिछाती जैसे तुमने मार दिया सबको एक एक करके। देव, अगर मैंने ये सब किया हो तो मैं मना क्यों करती? क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूँ, I'm alive। मुझे टॉर्चर करना चाहती हो, तड़पाना चाहती हो, खिलवाड़ करना चाहती हो मेरे साथ, है ना? तो रुकेगी हो, मार दो मुझे। देव मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो देव, मैंने ये सब नहीं किया। देखो मैंने तुम्हें गलत समझा, वो मेरी गलती थी, लेकिन देव देखो इन सब लोगों को मैंने नहीं मारा देव। हाँ बस मैंने एक चीज जरूर छुपाई है, मैंने ये छुपाया कि मैं एक नागिन हूँ। भूमि अब जान गया हूं ना मैं, तो फिर क्यों नहीं मार रही हो? क्यों जिंदा छोड़ा है मुझे? क्यों? तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, बदला पूरा हो गया तो मार दो मुझे। कौन? किल मी, किल मी। देव तुम्हारे पास नाक मरी है, देव तुम्हारे माथे पर नाक मरी है, ये सारे लोग इसलिए मर गए, तुम इसलिए बचे हुए हो क्योंकि क्योंकि उस कातिल ने तुम्हें क्या? तुम वो कातिल जिसने सबको मारा है, और कोई नहीं है, यू आर द मर्डरर। तुम्हारे भैया की एक सेकंड रुकना देव, यही रुकना प्लीज। देव खुद अपनी आंखों से देखो, अपने माथे पे देखो ही देखो, तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा देव। तुम्हें खुद पता लग जाएगा। क्या है यहाँ? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिवाय तुम्हारे झूठ के। There's nothing। दे? कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं देखना मुझे, कुछ नहीं सुनना, बस एक चीज चाहता हूँ अब मैं, मार दो मुझे, मारो मुझे। Kill me। दे, दे। तो क्या कहोगी मैडम, एहसान मानती हो मेरी जान ना लेने के लिए? ठीक वैसे ही जैसे वृंदा ने उस दिन तुम्हें अपनी जान में फंसा लिया था, तो तुम्हें बचाने वाली तुम ही थी ना। और सुनो, जब फिर तुमने मुझे पिलर में कैद कर लिया था, उसके लिए भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। So technically, मैंने तुम्हें माफ किया है, मेरा एहसान बनता है तुम पर। बिल्ली की जान का इल्जाम मैंने अपने सर पे लिया, तो ना मेरा तुम्हारे पे कुछ बचा ना तुम्हारा, बेसिकली हिसाब बराबर। बस हंसना बंद करो, मुझे हंस लेने दो। विशाखा बहुत रोई हूँ मैं, वृंदा ने मुझे बहुत रुलाया, बहुत तड़पी हूँ, तकलीफ भी है बहुत मुझे, क्योंकि तुमने तो आके एक मिनट में गेम ही पलट दिया। अब नागमणी भी हमारी होगी और देव सिर्फ और सिर्फ मेरे। शादी से पहले शहनाई मत बजाओ, अब तक ना नागमणी हमारी हुई है और ना देव तुम्हारा, अभी तो बहुत कुछ बचा है, रहस्यमय मंदिर का तांडव भी। मुझे तुम्हें मंदिर लेकर जाना होगा, देखो मेरे साथ चलो, मेरे पास एक ही घंटा बचा। तो पाप गिन लो अपने, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें मेरा यकीन नहीं करना, मत करो, लेकिन मेरी इतनी बात सुन लो, अगर मुझे नागमणी हासिल करनी होती ना देव, मैं कब का तुम्हें मार के हासिल कर चुकी होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। तो अब तुम्हें मेरे बारे में जो समझना है तुम समझ सकते हो, लेकिन मैं जानती हूँ मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। इसलिए अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते, या तो मेरे साथ प्यार से चलो, नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पड़े पड़े मरने नहीं दूंगी। और एक बार तुम्हारे अंदर से वो नागमणी बाहर आ जाए, उसके बाद तुम मुझे चाहे जेल में फेंक देना, चाहे मुझे मार देना, फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन अभी अभी मेरी चलेगी, समझे तुम? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया या फिर तुम्हारा यकीन कर लिया, क्योंकि वो तो इस जन्म में दोबारा नहीं होगा।